हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा आज की वीडियो है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर हाफ ईयरली असेसमेंट ठीक है तो इन शब्दों को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये केवल सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ना कि आपका रियल ओरिजिनल पेपर ठीक है देखो सबसे पहले आपका ये पेपर होगा टोटल फोर्टी मार्क्स का इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा नाइन्टी मिनट्स लेट्स रीड इंस्ट्रक्शंस नाउ ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी क्वेश्चन नंबर वन टू फिफ्टीन कैरी वन मार्क ईच बच्चों आपके पहले पंद्रह क्वेश्चंस होंगे वन मार्कर यानी कि एक एक नंबर वाले इसमें पहले दस क्वेश्चन होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर एलेवन टू फिफ्टीन वो हो सकते हैं ट्रू फॉल्स वाले या फिर फिल इन द ब्लैंक वाले ठीक है तो जो है किसी भी तरीके से आपके ये पंद्रह क्वेश्चन किसी चैप्टर से किसी पॉइंट से या फिर जो है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स पर बेस्ड हो सकते हैं ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन टू एटीन कैरी टू मार्क्स ईच अगले क्वेश्चंस सोलह सत्रह अठारह ये होंगे दो दो नंबर वाले टू मार्कर क्वेश्चंस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टू ट्वेंटी वन कैरी थ्री मार्क्स ईच ये होंगे थ्री मार्कर क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन और अगले दो क्वेश्चन होंगे लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री ये आपके फाइव मार्कर क्वेश्चंस होंगे तो इस तरीके से आपका पेपर हो जाएगा टोटल फोर्टी मार्क्स का ठीक है चलिए अब हम जो है स्टार्ट कर देते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर वन से हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टोमी हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है साइड में आप देख सकते हैं चैप्टर का टाइटल आ गया है राइटर का नेम आ गया है तो वो रिविज़न भी हो जाएगी तो क्वेश्चन है कि मार्जी और टोमी कितने साल के हैं ऑप्शन हैं 11 एंड ट्वेल्व टेन एंड एलेवन 11 एंड थर्टीन थर्टीन एंड फोर्टीन और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इलेवन एंड थर्टीन बच्चों आपको जो है हाफ ईयरली असेसमेंट में जितने भी चैप्टर्स आने हैं जो ग्रामर के टॉपिक्स आने हैं यानी कि जो आपका सिलेबस है उसका प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा तो वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीफ हैड टेकन अवे एवरी एक्सेप्ट वन थिंग वॉट वॉज इट चोर जो है सारी चीज़ें ले गया था सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर क्या थी वो चीज़ ऑप्शंस है द नरेटर्स डर्टी वेस्ट द नरेटर्स वॉच द नरेटर्स बुक्स द नरेटर्स डर्टी अम्ब्रेला और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नरेटर की गंदी सी बनियान जो है चोर नहीं लेकर गया था और ये क्वेश्चन लिया गया है द स्नेक एंड द मिरर से नेक्स्ट क्वेश्चन है माई चाइल्ड हुड चैप्टर से वेयर वॉज अब्दुल कलाम बोर्न अब्दुल कलाम कहाँ पर पैदा हुए थे कौन सी जगह पर चेन्नई सालम मदुरई रामेस्वरम और बहुत ही ईजी है ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रामेस्वरम बिहार के सभी चैप्टर्स की ऑल इन वन वीडियो भी आप जो है प्लेलिस्ट लिंक में देख सकते हैं चैनल पर हैं वो सारी वीडियोज़ आगे देखिए वैन डिड आइंसटाइन गेट नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को नोबल प्राइज़ कब मिला था ऑप्शन ए इटीन ट्वेंटी बी इन नाइनटीन ट्वेंटी वन सी ए नाइनटीन ट्वेंटी टू डी इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इन नाइनटीन ट्वेंटी वन नेक्स्ट है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम नो मैन आर फोरन नो मैन आर फोरन इसके पोएट कौन है ऑप्शंस पढ़ लेते हैं जेम्स कर्कप जेम्स ब्राउनिंग जेम्स रोनाल्ड रोबर्ट फ्रॉस्ट इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए जेम्स कर बहुत ही अच्छी पोएम है ये नेक्स्ट इन् टू विच बर्ड डिड सेंट पीटर चेंज द ल लिटिल वूमन सेंट पीटर को बहुत ही भूख लगी हुई थी उन्होंने लिटिल वूमन से केक मांगा था कुछ भी खाने के लिए लेकिन लिटिल वूमन जो केक बना रही थी वो बहुत ही ग्रीडी थी और उसने सेंट पीटर को कोई भी केक नहीं दिया तो गुस्से में आकर सेंट पीटर ने उस लिटिल वूमन को एक बर्ड में चेंज कर दिया था कौन सा बर्ड था वो ऑप्शन देखिए अ वुड पैकर अस्पैरो अ पैरट क्रो सही आंसर है ऑप्शन ए अ वुड पैकर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रेन ऑन द रूफ वॉट डू द ह्यूमिड शेडोज रेफर टू इन द पोएम रेन ऑन द रूफ इस पोएम में एक फ्रेज यूज़ हुआ है ह्यूमिड शेडोज तो ये फ्रेज किसके लिए यूज़ किया गया है ऑप्शन आर डार्क इवनिंग डार्क क्लाउड्स डार्क क्लोथ्स डार्क नाइट सही आंसर है ऑप्शन बी डार्क क्लाउड्स अगला क्वेश्चन है इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर से वॉट डिड एवरीथिंग कोस्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों के राज्य में हर चीज की एक कीमत थी वो क्या कीमत थी अ डू डू अ रूपी नन ऑफ दीज इसका भी सही आंसर है ऑप्शन ए अ डूडू सेम जो है रेट था सभी चीजों का क्वेश्चन नंबर नाइन वेयर डिड ग्रैंड फादर गो टू कलेक्ट हिज पेंशन ग्रैंड फादर अपनी पेंशन लेने के लिए कौन सी जगह पर गए थे और ये क्वेश्चन लिया गया है दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर से ऑप्शन हैं अलाहाबाद सिकंदराबाद फ़िरोज़ाबाद सहारनपुर और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सहारनपुर लास्ट क्वेश्चन आ गया है द हैप्पी प्रिंस वेयर वॉज द लिटिल स्वलो गोइंग टू लिटिल स्वलो कहाँ जा रही थी इजिप्ट ब्रिटेन अमेरिका नन ऑफ दीज सही आंसर है ऑप्शन ए इजिप्ट तो ये टेन हो गए आपके एम और अगले पाँच क्वेश्चन मैंने लिए हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स पर जो आपके हाफ ईयरली में आने हैं अब बच्चों देखो सभी टॉपिक्स की अलग अलग वीडियोस भी हैं और एक ऑल इन वन वीडियो है जिसमें ग्रामर के सभी टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में आने हैं उनकी बहुत ही अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करवाई हुई है तो उन वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पर और क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल सेंटेंस देख लेते हैं ब्लैंक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी अब देखो इसमें बेस्ट से पहले तो जो है दर लगा हुआ है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है बट ऑनेस्टी से पहले आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों सोचिए ऑनेस्टी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा नो no आर्टिकल क्योंकि ऑनेस्टी यहाँ पर क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस पर बेस्ड आ गया ये शी ब्लैंक नॉट विजिट अस लास्ट ईयर अब देखो लास्ट देखते ही इस वर्ड को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर तो पास्ट इन डेफिनेट टेंस यूज होगा और फिर देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इन डेफिनेट टेंस में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है ठीक है तो टेंस के पैटर्न्स में अगर आपको कंफ्यूजन होती है समझ नहीं आते हैं क्लैरिटी नहीं है तो आप उसके लिए भी स्क्रीन पर आगे ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें सभी टेंसेस के पैटर्न को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है ओके okay, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शी डिड नॉट विजिट अस लास्ट ईयर नेक्स्ट चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस द पुलिस हैड कोर्ट द थीफ ठीक है अब देखो एक्टिव वॉइस के बहुत ही सिंपल रूल्स हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो है प्लेस जो है बदल जानी है अब यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है तो हैड के बाद बीन लगना है वह आपकी की थर्ड फॉर्म लग जाएगी ठीक है तो आंसर होगा हमारा द थीफ हैड बीन कोट बाय द पुलिस बहुत ही ईजी सिंपल नेक्स्ट

She went to Nainital on Friday. ये भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिया है मैंने देखो पंक्चुएशन के सारे रूल्स आप समझ सकते हैं और उसके बाद एम सी क्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं इन सारी वीडियोज़ मैंने यहाँ पर दी हुई हैं तो बच्चों इसका जो है सही आंसर क्या होगा कि सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर होना चाहिए वर्ड का शी का एस कैपिटल हो जाएगा नैनीताल प्लेस का नाम है तो एन कैपिटल होगा फ्राइडे का एफ कैपिटल होगा और लास्ट में क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है फुल स्टॉप लग जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चन इन ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स ईच क्वेश्चन नंबर सोलह सत्रह अट्ठारह दो दो नंबर वाले पहला क्वेश्चन यहाँ पर इट मीन्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर आंसर इज केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नैवर टॉक टू हर विद लव एंड अफेक्शन हिज बिहेवियर वॉज़ वेरी हार्श एंड रूड ही लुकड लाइक ए जाइंट टू हर दो दो, दो नंबर वाले हैं तो आपको वर्ड लिमिट भी ध्यान में रखनी है बहुत ही सिंपल सेंटेंसेज में मैंने आंसर आपके लिए रखा है केजिया अपने फादर से डरती थी क्योंकि वो कभी भी उससे प्यार से अफेक्शन से बात नहीं करते थे और उनका बिहेवियर बहुत ही हार्श होता था कठोर होता था और फादर तो जो है एक डेथ राक्षस की तरह जो है केजिया को दिखाई देते थे ठीक है चलिए नेक्स्ट वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ़ व्हाट वॉट प्रॉब्लम डज ही फेस ये क्वेश्चन है द रोड नॉट टेकन से यात्री या फिर यहाँ पर है पोइट पोइट अपने आप को कहाँ पर पाते हैं और उनको प्रॉब्लम क्या है क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं आंसर इज द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ़ ऑन अ रोड फॉकिंग इंटू टू इन अ येलो वुड एक येलो जो है फॉरेस्ट है वहाँ पे पोएट जो है अपने आप को पाते हैं जहाँ पे वो एक रोड है एक रोड जो है वो क्या है डाइवर्जिंग इनटू टू दो सड़क पे दो मोड़ आ रहे हैं उसमें द प्रॉब्लम वाज दैट ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स एट वन टाइम प्रॉब्लम क्या थी कि जो है वो एक समय में जो है दोनों रोड्स पर नहीं चल सकते थे तो इसी उनको उसमें से जो है एक रोड एक ऑप्शन चूज करना था नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू द कोर्टियर्स कोल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस स्क्रीन पर सभी आंसर्स आ रहे हैं आप सभी का स्क्रीन ले सकते हैं कोर्टियर्स दरबारी जो है राजकुमार को हैप्पी प्रिंस कहते हैं क्यों कहते हैं आंसर इज द प्रिंस इंजॉयज लाइफ ऑफ रिचेज एंड कम्फर्ट्स ही डज नॉट नो वॉट सफरिंग्स आर नो सोरो इज अलाउड टू एंटर हिज पैलेस ही ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी सो ही इज कोल्ड द हैप्पी प्रिंस प्रिंस जो है शाही जिंदगी जीता है और उनको कुछ पता ही नहीं कि दुख दर्द कष्ट क्या होते हैं उनके महल में कोई दुख दर्द है ही नहीं वो हमेशा खुश रहते हैं इसीलिए दरबारी उनको हैप्पी प्रिंस कहते हैं तो ये हो गए आपके टू मार्कर क्वेश्चन नेक्स्ट आ गए हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टू ट्वेंटी वन और इनका आंसर देना है आपको थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स ईच में ओके क्वेश्चन है वाई डज़ द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन सारी दुनिया आइंस्टाइन को एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद रखती है क्या कारण है आंसर इज द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही मेड एफर्ट्स फॉर द पीस एंड वेलबींग ऑफ द होल वर्ल्ड क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया की शांति के लिए कल्याण के लिए कोशिशें की थी ही सजेस्टिड टू द यूनाइट नेशन्स टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू सेटल द एनमिटी अमंग नेशंस उन्होंने यूनाइट नेशन्स को एक लेटर लिखा था और उसमें सजेस्ट किया था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि अलग अलग देशों के बीच में जो भी झगड़े हैं दुश्मनी हैं उनको मिटाने की कोशिश की जा सके ही सपोर्टेड द कोज ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी हाउ उन्होंने हमेशा शांति और जो है प्रजातंत्र की फीलिंग वो जो है स्पिरिट आ सके इस चीज़ के लिए कोशिश की थी ओके okay, चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नो मेन आर फॉरन बहुत ही खूबसूरत पोएम नो मैन आर फोरन इज़ एन एंटी वॉर पोएम एंटी वॉर पोएम है ये ये हमें मैसेज देती है बताती है कि युद्ध जो है कितने ख़तरनाक होते हैं ये हमें बताती है वॉर कॉज इज़ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन युद्ध से हमेशा केवल नाश ही होता है मौत होती है इट्स सेंट्रल आइडिया इज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम एंड एकवल एवरी सिंगल बॉडी ब्रीथ्स एंड फंक्शंस इन द सेम वे सो वी शुड लिव इन पीस एंड हारमोनी हर इंसान सभी इंसान क्या है एक जैसे हैं इक्वल हैं तो हर बॉडी एक ही तरीके से सांस लेती है एक ही तरीके से काम करती है इसीलिए हमें जो है शांति से रहना चाहिए यह है इस पोएम का मैसेज सेंट्रल आइडिया नेक्स्ट लिया मैंने बच्चों कंपोजिशन राइटिंग स्किल पर आपका जो है हाफ ईयरली असेसमेंट में पैराग्राफ है लेटर और एप्लीकेशन है तो मैंने लिया है पैराग्राफ माई फेवरेट बुक और एप्लीकेशन है राइट एन अपलिकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एन एजुकेशनल टूअर ठीक है तो ये देखो कंपोजिशन का uh, जो है राइटिंग स्किल में प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे रूल्स रेगुलेशन मिल जाएंगे और वैसे भी सभी वीडियोज़ uh, का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी ठीक है तो वो आप अपने आप कीजिएगा अब आते हैं हम ऐसे टाइप क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री आंसर दीज क्वेश्चन इन फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड्स ईच इसमें मैंने आपको चॉइस दे दी है वॉट वार द फ़ फीचर्स ऑफ द स्कूल्स एंड द टीचर्स मैंशन इन द बुक दैट टोमी फाउंड और वॉट डज कलाम से अबाउट हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स इन द चैप्टर माई चाइल्ड हुड तो इनके भी बिल्कुल सिंपल आंसर्स मैंने फ्रेम किए हैं आप अपने स्क्रीन पर ये आंसर देख सकते हैं देखो जो द फन द हैड से क्वेश्चन है उसका आंसर है वन डे टोमी फाउंड एन ओल्ड पेपर बुक ही शेयर दिस न्यूज़ विद मारजी एक दिन टोमी को एक पुरानी सी पेपर बुक मिली उसने मारजी को ये न्यूज़ बताई देअर टीचर वॉज अ टेली टीचर सो दे वरप्राइज़ टू फाइंड सच ए बुक अब उनका जमाना अलग था ठीक है वो टैली टीचर से पढ़ते थे कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते थे तो ऐसी बुक मिलने उनके लिए बड़ा ही सरप्राइज़ था द बुक मैंशन दैट द एंशंट स्कूल्स व ह्यूज़ बिल्डिंग्स उस बुक में था कि पुराने स्कूल जो है कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर देयर सैकड़ों बच्चे वहाँ पे इकट्ठे पढ़ते थे एक ही सिलेबस होता था सेम सब्जेक्ट होते थे सेम एक्टिविटीज़ वो करते थे और उनको रियल ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते थे किताबों की मदद से रियल बुक्स की हेल्प से और मार्जी महसूस कर रही थी कि उन दिनों में बच्चे जो है विद्यार्थी कितना मज़ा करते होंगे तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में आप आंसर याद कर लीजिएगा नेक्स्ट मैंने आपको दिया है माई चाइल्डहुड से अब्दुल कलाम अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स uh, के बारे में क्या कहते हैं अब्दुल कलाम सेज़ दैट हिज पेरेंट्स जैनबीन एंड आशियाम वर वेरी जेनरस एंड काइंड बहुत ही उदार दिल के बहुत ही दयालु थे वो ही इनहेरिटेड द वैल्यूज़ ऑफ़ ऑनेस्टी सेल्फ डिसिप्लिन एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स उन्हें अपने माता पिता से ईमानदारी सेल्फ डिसिप्लिन और दयालुता ये जो है सारी अच्छी क्वालिटीज़ मिली थी उनके तीन फ्रेंड्स थे रामानंद शास्त्री अरविंदन और शिवा प्रकाशन देवर फ्रॉम ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ तीनों ही मित्र जो है क्या थे ऑर्थोडॉक्स हिंदू परिवारों से बट रिलीजन नेवर अफेक्टेड देयर फ्रेंडशिप लेकिन दोस्ती तो दो दोस्ती होती है धर्म का जो डिफरेंस था उसका उनकी दोस्ती पर कोई भी असर नहीं पड़ा और बाद में रामानंद शास्त्री जो है रा, रामेश्वरम टेम्पल में प्रीस्ट बने अरविंदन उन्होंने ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने वाला जो बिजनेस संभाला जो पिलग्रेम्स तीर्थ यात्री होते थे उनके लिए शिवा प्रकाशन बीके ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज ठीक है तो सारा डिटेल में हमने बता दिया है तो इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा आप अगर इस तरीके से आंसर लिखते हैं तो ओके नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री नंबर है नरेट द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड इन योर ओन वर्ड्स द लोस्ट चाइल्ड की समरी लिखनी है आपने तो बहुत ही सिंपल है ये भी आप आंसर देख सकते हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सभी का द लोस्ट चाइल्ड इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटर्न बाय मुल्क राजानंद इट इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय एंड हिज पेरेंट्स दे देवर गोइंग टू देयर विलेज फेयर द बॉय वॉन्टेड टू हैव बर्फी गार्लेंड्स ऑफ गुलमोहर एंड कलरफुल कलरफुल बलून्स इन द फेयर he wanted to enjoy the uh, show of a snake charmer and the ride on a roundabout मतलब जो भी बच्चे ने चाहा था वो सारा हमने बता दिया but parents क्या है कोई भी चीज़ ख़रीद के नहीं दे रहे लेकिन वो डर गया जब उसे ये पता लगा उसने महसूस किया कि वो तो गुम हो गया था एक काइंड मैन ने उसकी हेल्प की और वो सारी चीज़ें ऑफर की मेले में से जो वो चीज़ें पहले चाह रहा था बट नाव ही वॉन्टिड ऑन हीज पेरेंट्स दस द स्टोरी शोज़ द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड और अगला ऑप्शन मैंने लिया है वॉट है वोक हैज़ द सुपर साइक्लॉन रीग इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ़ उड़ीसा ठीक है ये भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में है आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो कुछ इस तरीके का आपका ये हाफ ईयरली असमेंट का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हो सकता है ये मैंने आइडियाज़ लगाए हैं यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये तो ईमानदारी से अपना पेपर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही Best of luck to all of you. Thank you very much for watching this video.